डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा के विकास के लिए सबसे तेजी से और सबसे संवेदनशील काल कौन सा है? मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है आज तक सीटेट में, फटाफट से आंसर करो बहुत तेजी के साथ, लाइक और शेयर हर मिनट पे करते रहना है, लाइक बार बार नहीं होता बट शेयर हो सकता है, मजाक कर रही हूँ, खैर आंसर देते रहो उतना काफी है, अभी बताओ। एक्सीलेंट, अरे धन्यवाद, थैंक यू, स्टडी विद फन। चलिए फटाफट से, अब टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी से फिर अगले 30 मिनट में ये 30 का सेट सॉल्व कर देंगे, फिर उसके नेक्स्ट 30 मिनट में मतलब 120 मिनट तो हमें कम से कम लग जाएंगे, 2 घंटे तो कहीं नहीं गए, जिसमें से एक सेट तो आप खत्म कर चुके हो, पता भी नहीं लगेगा। देखो और आदत डालो थोड़ा 2-2 घंटे बैठने की। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड, भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म से पहले कौन सी भाषा सबसे इंपॉर्टेंट है? अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्य अवस्था, 2 से 6 वर्ष की अवस्था, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट और फास्टेस्ट सोशलाइजेशन, सामाजिकरण भी बहुत तेजी से होगा और शारीरिक वृद्धि और विकास भी बहुत तेजी से होगा और भाषा का विकास तो बहुत तेजी से होगा। ठीक, फास्टेस्ट पूछ ले, क्रिटिकल पूछ ले, सेंसिटिव पूछ ले, यही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। पहला ऑप्शन है प्रसुप्ति अवस्था यानी लेटेंसी स्टेज, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। तो ये आपको पता है, इसको एरिक एरिक्सन ने दिया है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल प्याजे बात करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन जो कि 5th स्टेज है किसकी, कोहलबर्ग की, ये बात ठीक है कि समाज में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए रखने के लिए हमारे कुछ क्या कहें ड्यूटीज भी हैं और हमारे कुछ अधिकार भी हैं, यदि जरूरत पड़े तो नियमों को बदला जा सकता है, ये 5th स्टेज है। लेटेंसी सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे, आंसर क्या होगा इसका? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ठीक है, इस बार मैं हिंदी ही पढ़ूंगी, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशंस अ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स। भाई क्लासरूम डिस्कशंस के दौरान एक शिक्षक है जो लड़कों को ज्यादा अटेंशन देता है लड़कियों की बजाय, लड़कों पर ज्यादा ध्यान है, क्या है? स्टीरियोटाइप, बायसनेस, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, बताइए। हम कहेंगे ये बायसनेस है, ये जेंडर बायसनेस है, किसी भी एक तरफ झुका हुआ है शिक्षक, जेंडर पक्षपात है, लिंग पक्षपात है, और टीचर को पैरिटी होनी चाहिए ना कि पक्षपात। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फॉर्मिटी? बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? यानी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को आपको हटाना है, ये जो सोच चली आ रही है कि सिर्फ महिलाएं ही ये करें और पुरुष ही वो करें, है ना, इसको कैसे हटाएं? हम डिस्कशन करें, सही बात है, एम्फसाइज करें जेंडर स्पेसिफिक रोल पर यानी जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर अगर जोर देंगे तो ये तो बढ़ेगा, कम थोड़ी होगा। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना कि लड़के अलग खेलेंगे लड़कियां अलग खेलेंगी, बचपन से ही दिमाग में डाल दो कि तुम इतने अलग हो एक दूसरे से जिसकी हद नहीं है, और तुम सुपीरियर हो और तुम इंफीरियर हो, काम तो वहीं से खराब हो रहा है ना, वो इंसान को इंसान नहीं समझ रहे लोग आपस में। लड़की है तो उसे लग रहा है मैं बिल्कुल दुनिया की रानी हूं, और लड़का है तो उसे लग रहा है पता नहीं मेरे पास कौन से अधिकार प्राप्त हो गए मुझे, तो यही तो प्रॉब्लम है ना, वो इक्वालिटी डेवलप नहीं होने दी हमने। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना ये भी गलत है, सेग्रीगेशन नहीं करना, ज्यादातर स्कूल्स में यही हालत है, प्राइवेट स्कूल्स की भी। डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, आप डिस्कशन कर सकते हो, उससे ये चीज खत्म होगी, सॉल्यूशन कभी भी अलगाव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरिस्ट्स व्हाइल व्यूइंग चिल्ड्रन एज एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज एम्फसाइज्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेंट्स ऑन देयर थिंकिंग? निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखा और उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वस्तुओं के प्रभाव की बात कही? जब भी समाज और संस्कृति की बात आएगी तो एक व्यक्ति को आपको याद कर लेना है जिनको लैब वाइगोस्की कह लेते हैं। सोसाइटी और कल्चर की यदि बात आएगी, सोशल इन्फ्लुएंस और कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात आएगी, और लैंग्वेज को टूल कहने की बात आएगी, तो हम कहेंगे लैब वाइगोस्की, क्या जिंदाबाद, खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाइल वर्किंग ऑन अ जिग्सॉ पजल, जिग्सॉ पजल सॉल्व करने वाली होती है, अलग अलग कलर होते हैं, 5 ईयर्स ओल्ड नजमा, देखो ध्यान देना क्वेश्चन पढ़ते समय, मजाक नहीं हो रहा होगा, वहां आपको हिंट मिलेगी क्वेश्चन को सही आंसर तक पहुंचाने के लिए। जिग्सॉ पहेली को हल करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, खुद से बात करती है 5 वर्ष की। ठीक,
नीला टुकड़ा कहाँ है? नीला टुकड़ा कहाँ है उस पजल का? नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे है जूता पूरा बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा जिससे यह जूता। अब ये है महत्वपूर्ण पार्ट। अगर आपने पेडागोजी के क्वेश्चन में जल्दी की जगह जल्दबाजी कर दी तो गलत होना निश्चित है, क्योंकि आपको पढ़ के एग्जैक्ट समझना कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह से बताएंगे? और यही अगर प्याजे लिखा होता आंसर बिल्कुल पलट जाता। 5 वर्ष आपको याद होगा, 3 से 7 या 2 से 7 के आसपास मैंने आपको एक स्टेज बताई थी जिसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो पहला हिंट तो ये था कि 5 साल की बच्ची है तो प्राइवेट स्पीच में आएगी। दूसरी बात, खुद से बोल के बात कर रही है। तीसरी बात, वाइगोस्की के अनुसार सिंपल बात है, प्राइवेट स्पीच यानी निज वाक या व्यक्तिगत वार्ता इसको हम कहेंगे। अगर प्याजे के अकॉर्डिंग होता तो ईगोसेंट्रिक स्पीच हो जाता। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फटाफट से। गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बताइए एक बार, जल्दी से जवाब दीजिए। बच्चों को संकेत यानी क्यूज यानी हिंट देना और जरूरत पड़ने पर टेम्परेरी हेल्प देना, क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग, मचान, पार, ढांचा, जो आप कहना चाहें। ये अस्थाई मदद है, जब तक दी जाएगी जब तक बच्चा अटक रहा हो, जैसे ही वो स्वयं करना शुरू करेगा। इसमें हाफ सॉल्व प्रॉब्लम हो सकती है, आपने आधा सॉल्व कर दिया, कोई स्टेप सॉल्व कर दिया, बच्चे को हिंट दे दी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन प्याजे? जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कौन विशेषित करता है? कल मैं कोशिश करूंगी, अगर थोड़ा और पहले सेशन ले लूं 9 बजे से भी, मैं बता दूंगी टाइमिंग क्या रहेगा। फटाफट आंसर करो, क्योंकि बड़े सेशन होंगे अब कुछ दिन तक। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे के अंदर क्या आएगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे के अंदर CCS आ जाता है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही है, CCS है, कंजर्वेशन क्लासिफिकेशन सीरिएशन। ठीक है बात, तो कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन यानी क्लासिफिकेशन वो सीख जाएगा, वर्गीकरण वो सीख जाएगा। और कंजर्वेशन वही एक्सपेरिमेंट याद कर लेना है जिसमें इरिवर्सिबिलिटी की बात हुई थी, प्याजे की वीडियो ने ये सारे वीडियोस कराए हुए हैं। ये कब आएगा? फॉर्मल ऑपरेशनल में, ये सेंसरी मोटर में, ये इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ये आएगा 2 से 6 प्री ऑपरेशनल में। ठीक, प्याजे की 4 स्टेजेस हैं SPCF। आगे बढ़ेंगे, ये 7 से 11 वर्ष की स्टेज थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिजेशियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? पिजेशियन यानी प्याजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी एक बात सही है? बताइए एक बार। स्कीमा है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आपको पता है। बेंडियोरा बात करते हैं, मैंने एक थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है यही। कंडीशनिंग की बात बहुत सारे लोग हैं, जेबी वॉटसन, पैवलव, स्किनर सभी कर रहे हैं लगभग। रीइन्फोर्समेंट की बात भी बिहेवियरिस्ट करते हैं। तो स्कीमास यानी स्कीमा, स्कीमा क्या है? मेंटल स्ट्रक्चर दिमाग में, जिसकी वजह से आप मानसिक संरचनाएं बनी हुई हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को पहचान पा रहे हैं, अपनी एक समझ बना पा रहे हैं, अपने दिमाग में नॉलेज को स्टोर कर पा रहे हैं, आप हिमांशी को पहचान पा रहे हैं। मतलब स्कीमा में बनी हुई हूं मैं, मतलब आपने भरा हुआ है एक तरीके से। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ, और आप XYZ लोगों को भी पहचान पाते हैं, है ना। देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, यानी प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए आकलन का, बताइए। असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट, देखो रैंक असाइन करना, लेबल करना कभी भी प्राथमिक उद्देश्य जीवन में नहीं हो सकता। बच्चों की समझ को समझना और यह देखना कि उनको किस टॉपिक को लेकर क्लैरिटी है और किस टॉपिक को लेकर के उनको कंफ्यूजन है, यह बात तो थोड़ी सुंदर लग रही है जानने में। फिर है लेबलिंग, लेबल करना कदापि नहीं, है ना। रामायण देखी होगी इस बार सबने। मार्किंग पास और फेल इन दी, ये भी हमारा उद्देश्य नहीं होता। मेन उद्देश्य है कि हम बच्चे को समझ पाए। आज हम मान लीजिए टेस्ट ले रहे हैं, आप लोग एक तरीके से देख रहे हैं खुद को, तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं इससे रिलेटेड वो कितने क्लियर हैं और कहां कंफ्यूजन है इस बात का पता लगे, इसलिए बच्चे को असेस किया जाता है, आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सी एक बात सही है बुद्धि के विषय में, बुद्धि के विषय में कौन सी एक बात सही है? इंटेलिजेंस फिक्स होती है, एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, यूनिटरी यानी एक सिंगल फैक्टर है, या फिर इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल सेट है और कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज इसके अंदर पाई जा सकती हैं। ये कौन है? जियो शेर, अरे अनिरुद्ध, अनिरुद्धा द्विवेदी, धन्यवाद अनिरुद्ध। खैर देखिए, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज, यानी बुद्धि एक बहुआयामी प्रक्रिया है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज जुड़ी हुई है, गुथी हुई है,
मल्टी डायमेंशनल है, ये टॉपिक है आपका। जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जिनकी हम बात करें गार्डनर की, वो भी तो यही कह रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि फिक्स है, ये है वो है, या सिर्फ एक तत्व को बुद्धि कहेंगे। आज की डेट में हम बुद्धि को मल्टी डायमेंशनल मानते हैं, डी ऑप्शन। रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशंस। यानी रूही हमेशा समस्या के एकाधिक मतलब एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। कोई प्रॉब्लम उसके सामने रखो, वो 50 आपको सॉल्यूशन बताएगी, या तरीके बताएगी, दिशाएं बताएगी। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, इसमें से ज्यादातर जो समाधान वो सोच पा रही है वो क्या है, ओरिजिनल थॉट है उसका, उसके अपने दिमाग की उपज है। इन गुणों को किससे जोड़ेंगे आप? रिजिड थिंकर तो वो होते हैं जो एक से दूसरा तरीका सोच ही ना पाए। ईगो सेंट्रिक तो वो होगा जो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है। कन्वर्जेंट, जो सिकुड़ती हुई सोच रखता हो। मल्टीपल का तो मतलब ही है डाइवर्जेंट थिंकर, और डाइवर्जेंट थिंकर है तो क्रिएटिव थिंकर कहेंगे, क्योंकि ओरिजिनलिटी भी है। तो क्रिएटिविटी में डाइवर्जेंट थिंकिंग जुड़ी होती है, या जो बाकी चीजें होती हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेटरल थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये सब जुड़ी हुई होती हैं क्रिएटिविटी से, कुछ नया सोचने से, कुछ नया करने से। क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स आपको पता ही हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू अ डेप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अ टीचर शुड। भाई, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक वंचित समूह का बच्चा है जो कम भाग लेता है, उस स्थिति में क्या करेंगे आप? एक क्या, ऐसे मल्टीपल बच्चे भी हो सकते हैं या पूरा समूह हो सकता है। बच्चों से कहेंगे छोड़ दो स्कूल, ऐसा तो आप कभी नहीं कहेंगे, आप सॉल्यूशन का पार्ट बनेंगे, प्रॉब्लम का नहीं, सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या मतलब, आप कुछ चेंज करने गए हैं या नहीं? लोअर हर एक्सपेक्टेशंस, ऐसा क्यों करेंगे भाई? रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। आप अपनी शिक्षण पद्धति में कुछ बदलाव लाएंगे। भाई, हिंदी मीडियम वालों को यदि मेरे साथ समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं कोशिश करूंगी ना हिंदी मीडियम को इंक्लूड करूं, अपने तरीके में कुछ बदलाव लाऊं, है ना, ताकि आप पार्टिसिपेट कर पाए, आपको चीजें समझ आए। ठीक, दो कदम मैं आगे बढ़ूं, दो आप आगे बढ़ेंगे, तभी तो चीजें अच्छी होंगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम आ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स। बताइए एक बार, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं के लिए क्या करना चाहिए? आज तो इंस्टाग्राम पे टैग करने वाला दिन है भी, काफी संख्या में जुड़े हुए हैं हम लोग, गजब कर दियो है, बहुत बढ़िया। खैर, ये सब तो चलता ही रहेगा, बहुत बढ़िया। चलिए, खैर देखिए, अगर बात की जाए तो इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर एक शिक्षक को आईईपी खूब भरपूर बनाने चाहिए, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यानी शुड एक्टिवली प्रिपेयर, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए एक इंडिविजुअल की नीड्स को ध्यान में रखते हुए प्लान। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया, जिन बच्चों को पठन वैफल्य है, यानी पढ़ने में विफलता है, उसका प्राथमिक लक्षण क्या होगा? न्यून अवधान विकार, यानी अटेंशन नहीं वो रख पाएगा एक जगह पर, या फिर अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लुएंसी इन रीडिंग यानी धारा प्रवाहिता होगी पढ़ने में। देखो, सिंपल बात है, पढ़ने में समस्या होगी ऐसे बच्चे को, इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, यानी धारा प्रवाहिता के साथ पढ़ने में, धारा प्रवाह फ्लुएंसी के साथ पढ़ने में दिक्कत होगी, जैसे ईशान अवस्थी को होती थी, तारे जमीन पर वाले बच्चे को, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बोमन ईरानी और पता नहीं कितने सारे लोग हैं जिनको डिसलेक्सिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। The concept of inclusive education as advocated in the Right to Education Act 2009 is based on, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा का जो अवधारणा है वो किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत पे। बिहेवियरिज्म को हम आज की डेट में कहीं फॉलो नहीं कर रहे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम सक्रिय रूप से नहीं हम अपना रहे हैं बिहेवियरिज्म को, क्योंकि कंडीशनिंग पे और इन सब पे ज्यादा ध्यान देते हैं, रिवॉर्ड वगैरह पे, और उस चीज को कम करके मीनिंगफुल लर्निंग, एक्सप्लोरेशन, इंक्वायरी, इन सब चीजों की बात हो रही है आज की डेट में। कंस्ट्रक्टिविज्म को हम फॉलो कर रहे हैं, रचनावाद को। अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति नहीं, एम्पैथी की जरूरत है, सेंसिटिविटी की जरूरत है। आ राइट्स बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, मेन स्ट्रीमिंग नहीं, हम कहेंगे अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के, भाई इंसान है व्यक्ति, इसलिए उसको एक सबको एक साथ पढ़ाया जाए क्योंकि वो इंसान है, इतना काफी होना चाहिए सबको एक स्कूल में पढ़ाने के लिए, बस उनकी नीड्स का ध्यान रखें हम। तो आरटी में जो बात की गई है इंक्लूसिव एजुकेशन की, वो इसी आधार पे की गई है कि मानवतावादी परिपेक्ष को यदि देखें तो सब मानव हैं और सबको एक साथ सीखने का अधिकार मिलना चाहिए। प्रश्न नंबर 17 देखिए। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्रीमैरली,
यानी संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म में यानी जहां नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की बात की जाए उस ढांचे की बात हो रही है। फटाफट से बता दो, 10:01 और आप लोग 11,700 लोग जुड़े हुए हैं, बताइए एक बार, गजब कर रहे हो भाई। रोट लर्निंग को कभी इंपॉर्टेंस नहीं देते, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है जहां बात आ जाए अवबोधन की, मीनिंग मेकिंग की, बच्चा जहां खुद से एक्टिव हो, जितना ज्यादा बच्चा एक्टिव है उतनी अच्छी बात है, यानी अर्थ का निर्माण कर पाए, कुछ मीनिंगफुल लर्निंग कर पाए। नाइव थियोरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमेनन, ये क्वेश्चन की ना भाषा बदलने लगी है हर बार, कभी ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट कहेगा, कभी नाइव थियोरीज कहेगा, कभी कुछ और कह देगा, तो बच्चों की गलतियां हमेशा अच्छी होती है हम ये मानते हैं, उनसे वो कुछ सीखने का उनको मौका मिलेगा हम ये मानते हैं, बताइए फटाफट से। अरे थैंक यू ऋषुगिरी, आप देखते हैं, बताइए। इग्नोर कर देंगे, क्यों करेंगे इग्नोर, फिर ठीक कैसे होगा, रिप्लेस करना चाहिए, नहीं मेमोराइजेशन के थ्रू, नहीं डिस्कशन के थ्रू, शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जांपल्स, आपको सही एग्जांपल पेश करने हैं बच्चे को यदि कोई गलतफहमी है तो। ठीक, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, फटाफट से हो रहा है, पूरे पूरे सेट यूं ही खत्म हो रहे हैं, बढ़िया आंसर कर रहे हो। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉजी प्रमोट्स, यानी बाल केंद्रित शिक्षा जिसमें बच्चा केंद्र पर है, बच्चा मध्य में है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, एक्सक्लूसिव रिलायंस होनी चाहिए टेक्स्ट बुक पे ही डिपेंडेंट रहे, जी नहीं, बच्चे के अनुभवों को प्राइमरी यानी प्रमुखता देना, ये बात तो सही है, रटने को तो हम नहीं देंगे, लेबलिंग को हम नहीं देंगे, ये नेगेटिव हुआ, ये रोट लर्निंग नेगेटिव हुआ, सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ही बिठा दिया एक्सक्लूसिवली, ये भी नेगेटिव हुआ, यानी बच्चे के अनुभवों को आप मुख्य रूप से प्रमुखता देंगे, ये महत्वपूर्ण है, बी ऑप्शन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहता ही है कि हर एक बच्चे में आंतरिक क्षमता है सीख सकने की। इमोशंस एंड कॉग्निशन आर, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से क्या है, कंप्लीटली सेपरेट है, स्वतंत्र है, सन्निहित यानी इंटरवोवन है या नॉट रिलेटेड टू, फटाफट से आंसर करो, 50 क्वेश्चन हमने कर लिए पता भी नहीं लगा। देखो एक बार, क्या है, इंडिपेंडेंट है, जब तक जेजोंग ना लिखा हो आप अपनी स्पेशल बुद्धि नहीं लगाएंगे, नॉर्मल जनरल इंटेलिजेंस का, सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इंटर रिलेटेड या इंटरवोवन कहेंगे, यानी सन्निहित है, एक दूसरे से संबंधित है, इंटर रिलेटेड है, कौन, आपका दिमाग और आपके इमोशंस, आपका दिमाग और आपके इमोशंस एक दूसरे से संबंधित हैं। जब तक जेजोंग नहीं लिखा होगा तब तक इंडिपेंडेंट नहीं कहेंगे, स्वतंत्र नहीं कहेंगे, ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, यानी संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी बात सही है लर्निंग के विषय में, किसके विषय में, लर्निंग के विषय में कौन सी बात सही है, पहचानिए, थोड़ा पढ़ने का कष्ट कीजिए, पेपर आप ही देने जाएंगे, बताइए एक बार फटाफट से, बताइए, एक घंटा कब हो गया पता नहीं लगा, एक मिनट का भी। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, क्या ऐसा है सिर्फ रिप्रोड्यूस करना लर्निंग है, हम तो नहीं मानते ऐसा। मेमोराइजेशन, जी नहीं, कंडीशनिंग, जी नहीं, सिर्फ रिप्रोडक्शन और रिकॉल, नहीं, फिर क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट, जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन अच्छा है, ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स होते हैं जो डायरेक्ट हम उदाहरण देते हैं, नॉन एग्जाम्पल्स हिंट या इनडायरेक्ट वेज में जब हम उसी टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, एग्जाम्पल भी और नॉन एग्जाम्पल भी, ठीक, बताइए जवाब दीजिए। इतनी वीडियोज बनाई हुई है अरविंद, सिर्फ वीडियोज देख लोगे ना तो भी हो जाएगा, बताओ, अभी स्ट्रैटेजी शेयर की थी उसको देख लो, उस वीडियो को, उसमें बताया हुआ है कैसे करोगे एक महीने में। एक इफेक्टिव वे है कॉन्सेप्चुअल चेंज का, कह सकते हैं अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए एक बेहतर तरीका है कि बच्चे को एग्जांपल्स और नॉन एग्जांपल्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सभी तरीके से समझाया जाए, कंफ्यूजन नहीं, इससे तो कंफ्यूजन क्लियर होगी, गैप बढ़ेगा नहीं, कॉज नहीं होगा, ये तो भरेगा गैप, प्रोसीजरल नॉलेज रेदर देन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे बच्चे के, जो कि जरूरी है भाई। अगर मैं आपको एग्जांपल भी दूं कुछ